प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के इस मैथमेटिक्स के पीरियड में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक प्रमेय सिद्ध करेंगे कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। प्रमेय नंबर 6.6 है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। सबसे पहले लिखा है, दिया है दो समरूप त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर, ये दिए हुए हैं। सिद्ध क्या करना है, क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज पीक्यूआर, ए आर का मतलब क्षेत्रफल, बराबर ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर, ये वाली भुजा आ गई। दूसरी वाली बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर। तीसरी है सी ए बटा पी आर का या आर पी का होल स्क्वायर। तो देखिए, रचना करनी, इसमें रचना करेंगे हम कुछ ये अपने पास से, ए से बी सी तथा पी से क्यू आर पर क्रमशः ए एम और पी एम लंब खींच दिए, ये राइट एंगल बना दिया यहाँ पर, ठीक है। उपपत्ति देखिए, हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो हमने वो ही लगाया, त्रिभुज ए क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज पीक्यूआर, बराबर एबीसी का लिख रहे हैं पहले 1/2, आधार कितना है इसका बीसी है और ऊंचाई कितनी है इसकी ए एम। इसी प्रकार से पी क्यू आर का लिखते हैं, आधार क्यू आर और ऊंचाई कितनी है इसकी पी एन। अब देखिए, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर बराबर बी सी गुणा ए एम और गुणा क्यू आर बटे क्यू आर गुणा पी एन। देखिए, 1/2 से 1/2 काट दिया तो हमारी इस हलों के समीकरण नंबर 1 आ गई। अब क्या होता है, त्रिभुज ए बी एम तथा पी क्यू एन में, ए बी एम पी क्यू एन, देखिए कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी क्योंकि इस कैसे हैं समरूप त्रिभुज है तो कोण बी बराबर होगा ए क्यू के। इसी प्रकार कोण एम बराबर कोण एन, ये हमने भी 90° कोण बनाया, ये भी 90 का और ये भी 90 का। अच्छा, इसलिए दो एंगल जब बराबर हो जाते हैं तो त्रिभुज कैसा हो जाता है, समरूप हो जाता है। तो इसलिए ये त्रिभुज इसके समरूप हो गया। तो त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज पी क्यू एन। इसलिए अब इसमें हम अनुपात लगा दें, क्या हो जाएगा, ए एम बटे पी एन। देखिए, ए एम ये वाला, ए एम बटे पी एन बराबर ए बी बटे पी क्यू, समीकरण नंबर 2 रख दी। साथ ही त्रिभुज ए बी सी भी किसके, पी क्यू के समरूप है, ये दिया हुआ है हमें। तो इसलिए ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर और उसके बाद सी ए बटे पी आर या आर पी। अतः क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर बराबर बी सी बटे क्यू आर गुणा ए एम बटे पी एन, ये हमारा दिया हुआ था, समीकरण 1 में लिखा था हमने। अब बी सी बटे क्यू आर बराबर ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर बराबर ए बी बटे पी क्यू। देखिए, ये है बी सी बटे क्यू आर, बी सी है क्यू आर ये है, और बराबर क्या, ए बी बटा पी क्यू, ये इससे आ गया। तो यहां पर हमने ऐसे ही दूसरा समीकरण सेकंड से, देखिए थर्ड से लिख दिया हमने। अब सेकंड से क्या लिखा, ए एम बटे पी एन, ये निश्चित करा हमने अभी, ए बी बटे पी क्यू। तो ये दोनों मान यहां पर रख दिया हमने, बी सी बटे क्यू आर गुणा ए एम बटे पी एन। तो बी सी बटे क्यू आर की जगह रख दिया ए बी बटा पी क्यू और इसकी जगह भी ए बी बटा पी क्यू। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर। इसी प्रकार हम अन्य संबंध सिद्ध कर सकते हैं, त्रिभुज
क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर बराबर बीसी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर। यहां पर ये होल स्क्वायर लगा दें, लगने से रह गया। इसी प्रकार क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर बराबर सी ए बटे आर पी का होल स्क्वायर। इसी पर अब इकट्ठा करके लिख सकते हैं हम इसको, ए क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर सी ए बटे आर पी का होल स्क्वायर। ये यहाँ हमारी प्रमेय सिद्ध हो जाती है। आज के पीरियड में बस इतना ही, कल कुछ अन्य सवालों और प्रमेयों के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।